नारायण चौधरी ने छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। मथुरा की बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मथुरा के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन 2022 योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पहुंचे, जिन्होंने सरस्वती माता के चित्रपट पर दीप जलाकर माल्यार्पण किया और छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। लैपटॉप मिलने के बाद छात्र छात्रा खुश नजर आए। एमबीए की छात्रा अनुष्का ज्योति तिवारी एवं भारती गौतम ने बताया कि हम छात्राओं टैबलेट से आसानी से पढ़ाई कर सकेंगी। वही एमबीए की छात्र लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के चलते टैबलेट आज के समय में जरूरी है। जो टैबलेट मिलने से पढ़ाई में काफी आसानी होगी। मथुरा जनपद के 12 इंजीनियरिंग कॉलेज के 796 छात्रों को टैबलेट वितरण किया गया, जिसमें बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के एमबीए और बीटेक अंतिम वर्ष के 2 से 19 विद्यार्थी, फार्मेसी डिपार्टमेंट के 63 विद्यार्थी, डिप्लोमा कोर्स के 71 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में डीएम नवनीत सिंह चहल, एसडीएम गोविंद प्रसाद अग्रवाल, प्रेसिडेंट अग्रवाल शिक्षा मंडल कन्हैयालाल बंसल आदि लोग मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आज आपको टैबलेट मिला है, कैसा लग रहा है? क्या बहुत खुशी मिल रही है कि टैबलेट मिला है। सरकार बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है और आगे भी हम चाहेंगे योगी सरकार ही आए, जिससे छात्रों को और प्रोत्साहन मिले। इससे पहले बहुत अच्छा लग रहा है और हमें इससे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिलेगी। हम चाहते हैं योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे यही बनी रहे और छात्रों को ऐसे ही प्रोत्साहन करती है। और क्या कहना चाहेंगे आज के बाद? जी यही बोलना चाहूँगी कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है छात्रों के लिए और वो हमें पढ़ाई में बहुत हेल्प कर रही है और काफ़ी सारी नई नई टेक्निक्स भी आ गई हैं और ऐसे ही ये सरकार हमें आगे हेल्प करती है। इससे पहले किसी और गवर्नमेंट में आपको ये सारी चीज़ें दी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली और किसी गवर्नमेंट में नहीं मिली है। तो टैबलेट से पढ़ाई में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? बहुत सारी मिलेंगी, जैसे कि ऑनलाइन सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल चल रहा है सब कुछ, तो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, तो उसमें टैबलेट बहुत हेल्प करेगा हमारी। जी ने हमें टैबलेट वितरण किए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो आज का जो एजुकेशन है ज़्यादातर ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। मेरी खुद की भी जो पढ़ाई है 90% ऑनलाइन होती है, तो उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिन लोगों के पास रीच नहीं थी उनको ये टैबलेट दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे जो एजुकेशन का लेवल है देश में प्रदेश में काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और जिससे जो एजुकेशन का लेवल है और जो नीचे के तबके के लोग हैं वो अच्छा बढ़ पाएंगे और आगे पहुँच पाएंगे। तो मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने ये लैपटॉप टैबलेट वितरण किए हैं और आगे भी ऐसे करते रहें। तो टैबलेट जो आपको मिले हैं पढ़ाई के लिए, क्या आसानी हो पाएगी? जी बिल्कुल आसानी हो पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी 90% पढ़ाई जैसे कोरोना काल में जो है वो ऑनलाइन हुई थी, तो आगे भी जो है हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक्सेस मिलता है एक टैबलेट के थ्रू। जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लेक्चर भी हमें ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, अगर हमारे पास एक पर्सनल टैबलेट होगा तो वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे और रीच कर पाएंगे। ये लिखा था कि हमारे जितने भी टेक्निकल और जितने भी ग्रेजुएट के हमारे छात्र हैं उन सबको हम ये टैबलेट देंगे। चूँकि आज भारत पूरे विश्व में टेक्निकल लाइन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में समावेश किया था, आज उसी को पूरा करने के लिए प्रथम बार यहाँ बीएसए कॉलेज के प्रांगण में ये टैबलेट वितरण किया गया है। हमारा ये ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारे संकल्प पत्र के वायदे हैं उन सबको हम क्रमशः पूरा करेंगे। अलवर में विश्व हिंदू